अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी। क्या काम करते हैं भाई? मैं ठेकेदारी कर रहा हूँ। ठीक है, काम कैसे चल रहा है आपका? काम है? हाँ शुक्र है रब का, काम तो है, ठीक चल रहा है जी। भाई पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ भी लोग कितनी तादाद में खड़े हैं, किसी को काम मिलता है किसी को नहीं मिलता, हफ्ते हफ्ते लोग ऐसे ही रह जाते हैं, अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी खिलाने भी पाकिस्तान की शहरियों के पास जो है वो पैसे नहीं हैं, तो क्या लगता है आपको बढ़ती हुई बेरोज़गारी की क्या वजह है? आपको लगता है बेरोज़गारी सारा कुछ कारोबार है यार, ठीक है क्यों हालात ख़राब होए खले ने हुकूमत दे, एक हुकूमत को चाहिए भी कारोबार चलाना, ठीक है हुकूमत हो जरा ना काम खराब हो जाता है जरा ना हर महंगाई ज़्यादा कर देंगे ने, ठीक है भी आ फलानी शायद बद गए सारा कुछ उत्थे ही है, ठीक है हूँ जिंदी हुकूमत आ जाती है वो कुछ सोचता नहीं, वो अपने बारे सोचता है, जितना बड़ा बंदा होता वो अपने बारे सोचता है कुछ किसी बारे में। तो आवाम से मांगते हैं, लाती तो आवाम है, मतलब एक हुकूमत भी आवाम से ही बनती है ना? आवाम से बनती, आवाम होने तो नहीं आती, असं हूँ तेन इतने लैन दे तू हूँ लिया दे साढ़े सिर के मिट्टी पानी शुरू कर दे, बाकी गल ये भी जो जरा ना जैसे वजीर उसे खाने वाले ठीक है, बाकी इमरान खान के बारे जरा ना हुकूमत सही चलती रही है। उस दौर में ठीक थी हुकूमत पीटीआई की जब थी दौरे? हाँ जी उस जरा ना खुशहाली के सारे बंदे खुशहाली के जिन्हें मेरे बंदे खड़े ने सारे बंद को पूछ लो इमरान खान के बारे सारे गल सारी तैयारी कर, रोजबार भी सही सी रब का शुक्र से ठीक है, हूँ जो अपना मरिया नमाज शहजादी आ गई है उदों का सारा कुछ ही बेड़ा गड़की बह गया है, तो बेन जी की रीस कर दी जी, बेन जी रीस तो नहीं कर सकती, हूँ बाबा की धी से की करती फिर दी है सानू किसी ना नहीं ना सू इमरान खान ने कुछ देना सानू सिर्फ खदा दिया जिन्हें सानू पैदा किया ठीक है, पर मैं ये आना मुसलमान तो जरा ना अच्छे तरीके दे नाल मुसलमान सही चलाना चाहिए, बाहर के मुल्कों वाले वेख लो साडे मुसलमान जरे ने गल गल ते कसम चुकते ने ठीक है, भाई कैसे मईशत को कंट्रोल में किया जा सके? ये गोल हूँ वे करन देते होगा हूँ तू मैं तेने लगता आपको कि करेंगे वो लोग? ये करन दे इंशाल्लाह, जे करन ते कर सकते क्यों नहीं, एक दिन च हो सकता जे करन ते, बस इन्होंने क्या भी जरा कुछ दावे करते हैं कि बैठ बैठ के असम्बलियों में वानों में कि आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, हम महंगाई कम कर रहे हैं, बिजली के बिल कम करेंगे, बिजली के बिल कम कर महंगाई घट कर, माड़े तो थले ले जाते हैं तो तगड़ा उत्ते चढ़ता जाता है, तगड़े पर जो मर्जी कर दो, जरा माड़ा गरीब है जरा एक कमाण वाला दस जरे खाने वाले ने वो बेचारे गरीब क्या करन दे तुसी मैंने दे। भाई अब इतनी गर्मी में भी हब्स के दिन चल रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, मतलब क्या अपील करते हैं, क्या मुतालबा करते हैं कि ऐसी कोई स्कीम्स लाई जाएँ आप लोगों के लिए, रोज़गार पैदा किया जाए? ऐसे ही कहने जी मुल्क के ला सीधे हो जाए, महंगाई घट हो जाए ठीक है, जिस तरह पिछले जिंदगी गुजरती रही उस तरह जिंदगी गुजारन लोग ठीक है, ज़्यादा जरा ना महंगाई ना चुकन, वो सारे दिन ओहो ही ने कोई वक्त नहीं बदले, ओहो ही मुल्क ओहो ही वाम ओहो ही दिन आते ओहो ही वार आते हैं ठीक है, तो मैडम साहब मेरा अर्जे आ भी महंगाई के बारे जरा ना वाम गरीब जरी ना बहुत बात बात दे रही है, किसी के लोग ऐसे ने जो एक टाइम खाते एक टाइम खाते नहीं दे, दस जी कमाण वाले होते ने तो एक जी खाने वाला अपना कमाण वाला होता है तो दस जी खाने वाले होते हैं वो क्या करन सिर, उसके बच्चे निके निके ने जो बड़े लोग ने उन्होंने तो बच्चों के जरा ना नखरे नहीं पूरे जाते, खाली खाने पीने के अखराजात नहीं है और भी काफ़ी जरूरियात बच्चों को इधर बच्चों को ब्याहना शादी करनी माड़े लोगों को वडेरिया का करना, शादी ब्याहना तो बहुत दूर की बात, पढ़ाना भी बहुत बड़ी बात। चलो इस वक्त के जो लात जा रहा मैडम साहब माड़ा बंदा बच्चे पढ़ा नहीं सकता, तो आपका ढिड पूरा करे तो पढ़ावे मैं ये दस, तो जरूरी है लेकिन जरूरी है पढ़ाई वाला कौन कराएगा, ये पाकिस्तान नहीं ना है भी जरा पाकिस्तान माड़े बच्चे के स्कूल बनावे ठीक है उन्होंने पढ़ावे लिखावे सारा कुछ करे, ये अपना आप सोचते हैं बस किसी का कोई नहीं सोचता। ठीक है भाई आप इतने परेशान हैं हुकूमत से नाराज हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरी लेबर खली है सारी वेली खली हुई है, आ सारे बंदे मेरे कमा देख ठेके लेना हाँ दादा भी लाख के मैं ठेके लेना हाँ जरा हूँ लाख का भी नहीं ठेका लगता, कई दिन ऐसी गुजर भी इतनी महंगाई हो गई है, किसी को मंगो तो चार लाख का काम होगा उन्हें कहो तो तीन लाख दे दे उन्हें कहना लाख च कर दे, लाख च करो तो किमें पैसे पूरे करो बंद किमें दो आप जा कि कटो तो खर्चा भी महंगाई जो चढ़ा चढ़ती जा रही कोई हालात नहीं है महंगाई के उत्ते कंट्रोल नहीं कर रहे, कंट्रोल करन तो सारा कुछ हल होता है, कह रहा रास्ता नहीं होता बंदे को की शायद नहीं पूरी होती। क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत? चाहूंगा हुकूमत से भी एक जरा ना कोई महंगाई के बारे ना कुछ सोचन अकल के ना मेहरबानी जी, अकल के ना खून ले थोड़े हुकूमत आप भी खून गरीबों को थोड़ा पीवन जो पी सकते हैं जरा ना हूँ गरीबों के बारे कुछ सोचन, जो गरीबों के बारे सोचन तो पाकिस्तान चले जाए बाबे कैजाम का शहर है ठीक है, इसके बारे सोचना चाहिए कोई तुम्हें भी मुल्क है।